हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू मुंशी प्रॉपर्टीज़। मैं हूं शांतनु और आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूं एक बहुत ही स्पेशल सा प्लॉट। और ये प्लॉट लोकेटेड है दहीवली नियर कारला। कारला केव्स आपको पता रहेगा, एकवीरा देवी मंदिर आपको पता रहेगा, ये लोनावला से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर है। और इसका एग्जैक्ट लोकेशन जो है वो कारला का जो एंट्रेंस है फ्रॉम दी हाईवे से आई गेस अराउंड 1 किलोमीटर पास होने के बाद यू हैव टू टेक द लेफ्ट फॉर दी कारला एकवीरा देवी मंदिर टेम्पल। वहाँ से लगभग 1 किलोमीटर के बाद एक राइट में रास्ता जाता है दहीवली गांव में, तो वहाँ पे आपको आना है। मैं इसका लोकेशन डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, पर अभी आप ये नज़ारा देखें। यहाँ पे पीछे इस तरीके का नज़ारा है, रेनी सीजन है और पीछे मेरी आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया हरियाली यहाँ पे दिख रही है सब जगह पे। सो ये यहाँ का कुछ इस तरीके से लोकेशन है और इस तरीके का आपको यहाँ पे व्यू मिल रहा है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे मेरे पीछे तो एकवीरा देवी मंदिर का जो माउंटेन है, जो एकवीरा कारला केव्स है, वो यहाँ से आपको दिख रहे जो पीछे वाला माउंटेन है ये वही है। हम जाके देखते हैं, लेकिन मेरे पीछे अभी आप देख सकते हो ये अप्रोच रोड है, यहाँ पे 4-व्हीलर आती है, सो एक्सेसिबिलिटी काफ़ी अच्छी है। ये जो प्लॉट है ये एक फार्म लैंड है, बेसिकली 14 गुंठे का ये फार्म लैंड है। और कैसा है ये आपको मैं अभी दिखाता हूँ। सो दोस्तों ये है एक वाटर स्ट्रीम, ये यहाँ के लोकेशन का एक पार्ट है, तो आपको दिखाता हूँ। यहाँ से ये वाटर स्ट्रीम जाता है, इस तरफ से आप आओगे तो यहाँ से एक्सेस है। बेसिकली ये ब्रिज बनाया है और ये मेरे सामने आप जो देख रहे हो यहाँ से एक्चुअली प्लॉट स्टार्ट होता है इसको लग के। और ये वाटर स्ट्रीम, यहाँ पे गांव है, बस्ती है, लोग रहते हैं यहाँ पे। सो ये बीच में पार्टीशन है, यहाँ से इस तरफ लेफ्ट साइड में मेरे सारी लोकेलिटी है और राइट साइड में आपको ये प्लॉट दिखेगा। आप देख सकते हो यहाँ से ये व्यू कितना प्यारा दिख रहा है, बहुत ही बढ़िया। यहाँ पे काफ़ी सारे ट्रीज़ हैं, मैंगो ट्रीज़, चैकू ट्रीज़, पैनियन ट्रीज़, बहुत सारे ट्रीज़ हैं। तो वो इस तरीके से ये लोकेशन है। और अभी हम एक्चुअल में प्लॉट देखते हैं। जैसे मैंने आपको वहाँ से एंट्रेंस बताया था, यहाँ से एंट्री है और ईस्ट वेस्ट है प्लॉट फेसिंग। सो जो लोग वास्तव में बिलीव करते हैं, सो ईस्ट वेस्ट है। यहाँ से आई थिंक दिस इज़ द वेस्ट साइड, दिस इज़ द ईस्ट, सॉरी दिस इज़ द ईस्ट एंड दिस इज़ द वेस्ट। ये पूर्व ही पश्चिम है ना, ओके। और ये है अपना प्लॉट, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये जो जा रही है ये स्ट्रिप चौड़ी है, पतली स्ट्रिप नहीं है, 14 गुंटेज का है ये प्लॉट। और इस तरीके से नीचे नहीं जा रहा, नीचे थोड़ा सा पानी ज़्यादा है। सो यहीं से आपको दिखाता हूँ, यहाँ तक ये जो पीछे पेड़ दिख रहा है बड़ा, कुछ वहाँ तक ये प्लॉट है। इसका सर्वे नहीं किया है लेकिन प्लॉट यही है, क्योंकि पहले यहाँ पे लोग राइस कल्टीवेशन वगैरह करते थे। सो ये आपको बाद में कराना पड़ेगा। और यहाँ पे आप देख सकते हो इधर ये एकवीरा देवी का माउंटेन है, ओके, यहीं पर एकवीरा देवी का मंदिर लोकेटेड है। सो इस तरीके से यहाँ पे आपको दिख जाएगा प्लॉट के एक साइड में जो डिवीजन है, ये जो वाटर बॉडी जो स्ट्रीम दिखाया मैंने आपको, नाला बहता है उस तरीके से, उस तरफ जाता है, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन भी है। और यहाँ से थोड़ा सा चौड़ाई में कम है और इस तरफ जाएंगे तो यहाँ पे ज़्यादा चौड़ा होता है ये प्लॉट। यहाँ पे ये लोकेशन मैं आपको स्पेशल दिखा रहा हूँ, मुझे ये लोकेशन काफ़ी अच्छा लगा, ओके। आपको लोनावला में ऐसे लोकेशन बहुत ही कम देखने मिलते हैं। 14 गुंटास का प्लॉट है, यहाँ पे भी किसी ने एक स्ट्रक्चर बनाया है और ये भी एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है, पर ये यहाँ से इस तरीके का व्यू दिख रहा है। अभी मैं आया था थोड़ी देर पहले, आई कुड हियर पिकॉक्स वॉइस, वो वहाँ से चिल्ला रहे थे। सो यहाँ पे थोड़ा बहुत फॉरेस्ट लाइफ भी है, आप देख सकते हो, बहुत ही प्यारा लोकेशन है। सो ये 14 गुंटेज का जो प्लॉट है, अगर आपको ये पसंद आता है या फिर आपके किसी फ्रेंड्स को, फैमिली मेंबर्स को कोई लैंड लेने में, परचेज़ करने में इंटरेस्ट है, तो आप उन्हें ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए। बहुत ही प्रीमियम प्रॉपर्टी है, पहली बार आई है ये, अभी तक सेल के नहीं थी, फर्स्ट टाइम ऑन सेल। 14 गुंटेज का प्लॉट है और इसका आस्किंग रेट है 6 लाख रुपीज़ पर घुंटा। एग्रीकल्चर लैंड है, फार्म लैंड है, इसको बाद में आप कन्वर्ट करा सकते हो आपकी मर्ज़ी हो तो। आप यहाँ पर काफ़ी कुछ कर सकते हो, एकदम टेबल प्लॉट है, सीधा सीधा, कोई दिक्कत नहीं है, व्यू भी अनडिस्टर्ब्ड है, गांव उस तरफ है,
इस तरफ आपको प्राइवेसी मिल जाएगी। सो बहुत ही प्यारा लोकेशन। सो दोस्तों, ये आपको प्लॉट कैसे लगा मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए, और आपके जो इन्वेस्टर फ्रेंड्स है या फिर जिन जो लोग लैंड परचेज करने के लिए सर्च कर रहे लोनावला या लोना के आसपास के एरिया में, तो उन्हें आप ये प्लॉट ज़रूर दिखा सकते हो, ये वीडियो ज़रूर दिखा सकते हो। अगर आपको इस प्लॉट पे विजिट करना है तो मैं डायरेक्टली ओनर का नंबर यहाँ पे नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। ओके, ये ओनर का नंबर है, आप उन्हें डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कीजिए। और अगर आप सही में लेने में इंटरेस्टेड है तो यहाँ पे ज़रूर आइए और ये प्लॉट विजिट करके पेपर्स वेरीफाई करके फिर आप ये प्लॉट परचेज कर सकते हो। जहाँ तक मेरी मालूम है ये कोई इन्वेस्टर नहीं है, ये एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, डायरेक्टली फॉर सेल पहली बार आई है ये यूट्यूब पे। तो आप ज़रूर आइए अगर आप अच्छी लैंड देख रहे हो या फिर कोई फार्म हाउस या फिर ऐसा कुछ आपको बनाना है, तो आई थिंक दिस इज़ दी मोस्ट आइडियल लोकेशन। और पानी का भी इशू नहीं है, पेपर वर्क का भी इशू नहीं है, रोड का भी इशू नहीं है, सो कुछ इशू नहीं है, एकदम क्लियर है। तो आप यहाँ पे आके ज़रूर ये प्लॉट देखिए और हमें बताइए आपको ये कैसा लगा। तो अभी तक के लिए बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी ऐसे ही किसी नए प्रॉपर्टी के साथ। टिल देन फ्रेंड्स, गुड बाय।